हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमने कल बाजू पे ये बॉर्डर बनाया हुआ था जो पिछली वीडियो में मैंने अपलोड किया है ये बाजू में कितने फंदे हमने लिए और कैसे हमने इस डिज़ाइन को बनाया था ये वाला मैंने अपलोड कर दिया है और अब इसके बाद ये वाला हम डिज़ाइन कैसे सेट करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी कि हमने ये डिज़ाइन को कैसे सेट करना है ये देखिए ये बीस बीस के मल्टीपल से थे और ये सत्रह सत्रह के मतलब मल्टीपल से है ये वैसे पंद्रह फंदों का डिजाइन है और दो फंदे इधर है तो ये सत्रह फंदों का डिजाइन है तो देखिए तो तो फ्रेंड्स ये हमने बॉर्डर बना लिया था ये बीस बीस के मल्टीपल से बनाया था और दो फंदे इधर एक्स्ट्रा और दो फंदे इधर ये उल्टे उल्टे जो बनाए हैं यानी चवालीस फंदों पर हमने इस बॉर्डर को बनाया है और जब हम इस डिज़ाइन को सेट करेंगे ये जो इसके ऊपर है ये वाला डिज़ाइन तब हमने ये देखिए ये पूरी रो जो हमने सीधी सीधी रो है इसको हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाकर तैयार कर लिया है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा तो आपने एक जो लाइन है सीधी वाली इसको आपने उल्टा उल्टा बना लेना है अब यहाँ से देखिए इस डिज़ाइन को कैसे हमने सेट करना है ये चवालीस फंदे हैं और हमारा डिज़ाइन होगा सत्रह दुनी चौंतीस यानी दो हमारे ये बनेंगे ठीक है सत्रह दूनी चौंतीस पे तो हमारे यहाँ तक का डिज़ाइन बन गया है पर ये जो फंदे हैं एक्स्ट्रा इनको कैसे एडजस्ट करें ये मैं आपको बताऊंगी तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कैसे हमने फंदे बनाने हैं ये देखिए यहाँ से देखिए हमारा सत्रह सत्रह दूनी चौंतीस और प्लस दो फंदे यानी कि छत्तीस फंदों पर डिजाइन है और आठ फंदे हमारे एक्स्ट्रा है तो ये जो चार फंदे इधर से चार फंदे इधर से इन चार फंदों को उल्टा बना लेंगे और यहां से भी चार फंदे हमने उल्टा बनाना है तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है ठीक है तो चलिए अब बना लेते हैं यहां से पहले चार फंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चार चार फंदे हमने उल्टे बना लिए ठीक है ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं ये डिजाइन से एक्स्ट्रा फंदे हैं क्योंकि हमने अपना बाजू बनाना है तो ये एक्स्ट्रा हमने ऐसे बना लेने हैं फिर उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे जब हमारे थोड़े फंदे और हो जाएंगे तो अभी हमने उल्टा उल्टा बना लिया है ठीक है अब उल्टा हमने चार फंदे बना लिए हैं अब इसके बाद हमारा यहाँ से डिजाइन स्टार्ट होगा चार फंदे हमने डिज़ाइन के ये उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार चार हमारे डिज़ाइन के उल्टे फंदे गए अब इसके बाद धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर आगे को आगे दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागे को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागे को पीछे एक फंदा सीधा ठीक है अब फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे दो फंदे सीधे और फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे यहां तक हमारा सत्रह फंदों का डिजाइन है आप ये चार फंदे इसको काउंट ना करें और फिर यहाँ से काउंट करें क्योंकि हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह फंदे इन्हीं को बार बार रिपीट करना है फिर से देखिए चार फंदे हमने उल्टे बनाने हैं अब फिर से हमने यहीं से स्टार्ट करना है ये देखिए दो फंदे हमारे इस डिज़ाइन के हो गए हमारे कंप्लीट इस चार फंदों को छोड़कर हमारा सत्रह फंदों का डिज़ाइन है इसी को हमने रिपीट करना है फिर से देखिए चार फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे ठीक है फिर अब धागे को पीछे एक फंदा सीधा धागे को आगे एक फंदा उल्टा फिर धागे को पीछे एक फंदा सीधा फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं फिर धागे को पीछे दो फंदे सीधे बना लेंगे फिर तो धागे को आगे करेंगे धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो ठीक है यहाँ तक हमारा डिजाइन हो गया है पूरा, ये अब दो फंदे हमारे जो एक्स्ट्रा है यहाँ तक हमारे चार फंदों से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से ये यह देखिए चार फंदे छोड़कर यहाँ चार फंदे फिर लास्ट में भी हमारे चार फंदे बचने चाहिए ठीक है और ये चार फंदे जो है ये एक्स्ट्रा है इनको भी ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए डिजाइन हमने सेट कर लिया है अब ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब हम एक एक फंदा हम बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो अब इस रो में हमने फंदा बढ़ा लेना है सीधी तरफ से एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाना है और एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है तो देखिए ये उल्टे फंदे हमने देखिए चार फंदे हमने उल्टे बनाए थे ना तो इसको हमने अभी उल्टा ही बनाना है ठीक है सीधी तरफ से भी और एक फंदा हमने उठा लेना है यहाँ से आप ऐसे पीछे से ऐसे फंदा उठा लीजिए यहाँ से ऐसे बढ़ जाएगा ठीक है और आपने यहाँ से नहीं उठाना है यहाँ बीच में से उठा लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और फंदे भी हमारे बढ़ते जाएंगे अगर आप साइड से उठाएंगे तो बहुत ही अलग सा लगेगा कि आपने अलग से फंदा उठाया हुआ है इसलिए आप बीच में से फंदा उठाइए जिससे हमारा स्मूथ डिज़ाइन बन जाएगा देखिए ये जो मैंने बनाया था ये बीच बीच में से मैंने उठाए हैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आ रहा है अगर हम यहाँ से साइड से उठा लेते तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता बहुत ही गंदा लगता है इसीलिए हमने ऐसे उठाया है देखिए एक फंदा मैंने यहाँ से उठा लिया है और ये देखिए हमारे अब पाँच फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो गए उल्टे उल्टे ठीक है अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है तो हम डिज़ाइन को बनाना अब स्टार्ट करेंगे देखिए दो फंदे उल्टे अब धागे को अपनी तरफ ही रहने देंगे और ये सीधे फंदे हैं तो इनको दो फंदे सीधे बना लेंगे और यहाँ पर हमारी जाली डल गई एक फंदा हमारा बढ़ गया है एक फंदा यहाँ बढ़ गया है तो हमने अभी यहाँ पर कम करना है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना फिर दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बना लेंगे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे अब यहाँ पर देखिए एक उल्टा यहाँ है एक सीधा एक उल्टा अब यहाँ पर तीन का एक करना है हमने तो दो फंदे ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा इसको सीधा बना लेंगे और यहाँ पर ये जो दो फंदे उतारे थे इसके ऊपर से ऐसे स्किप कर देंगे तो हमारा तीन का एक हो जाएगा ठीक है ये सबसे आसान तरीका है तीन का एक करने का और ये स्मूथ चेन हमारी ऐसे बनती चली जाएगी तो ये दो फंदे सीधे बना लिए फिर फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लिए तो देखिए दो फंदे उल्टे बना लिए फिर धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बना लेंगे ठीक है फिर धागे को ऐसे लपेटेंगे अब यहाँ पर हमने उल्टा फंदा बनाना है इसलिए देखिए अब ये पांच फंदे एक्स्ट्रा हैं क्योंकि एक फंदा हमने बढ़ाया तो पांच हो गए और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह फंदों का ये देखिए डिज़ाइन है और फिर से अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे ये देखिए दो फंदे हमने उल्टे बनाएंगे फिर से वही रिपीट करेंगे फिर देखिए धागे को ऐसे लपेटेंगे धागे को अपनी तरफ ही रहने देंगे क्योंकि ये दो फंदे सीधे दिख रहे हैं तो जाली भी डालनी है तो ये देखिए जाली भी पड़ेगी और दो फंदे हमारे सीधे भी पड़ेंगे ठीक है और जो ये जाली पड़ रही है तो एक फंदा हमारा यहाँ से कम हो रहा है यहाँ हमारे देखिए दो फंदे कम हुए थे ना तो हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ गया और एक फंदा जाली से यहाँ बढ़ गया जो हमने बढ़ाया था ये वाला और एक फंदा हमारा ये देखिए ये वाला बढ़ गया है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर दो का तीन का एक जैसे हमने किया है यहाँ पर तीन फंदों का एक किया है तो एक फंदा यहाँ से बढ़ गया एक फंदा यहाँ से बढ़ गया तो यहाँ पर कम हो गया तो मतलब फंदे हमारे बराबर रहेंगे ऐसा नहीं है कि फंदे कम हो जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद फिर से हमारा वही डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है अब यहाँ पर दो फंदे सीधे तो दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर से तीन का एक करना है तो दो फंदे ऐसे उतारेंगे और एक फंदा बना लेंगे ठीक है और ये दो फंदा इसके ऊपर से ऐसे स्किप कर देंगे ठीक है फिर से दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर दो फंदे उल्टे धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे ठीक है फिर धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है ऐसे जाली डालेंगे और दो फंदे हमने उल्टे बनाएंगे अब यहाँ पर ये यह देखिए एक्स्ट्रा हमारे चार फंदे हैं अब यहाँ पर एक फंदा हमने और बढ़ाना है क्योंकि हम बाजू में एक एक फंदा बढ़ाएंगे और हर एक चौथी सिलाई के बाद अब हम बढ़ाते जाएंगे फंदा तभी हमारी बाजू की शेप अच्छी आएगी ये देखिए और उस फंदे को भी उठाकर हमने ऐसे ही उल्टा बना देना है आपने पीछे से एक फंदा ऐसे उठा लेना है और उसी को ही बना देना है अलग से उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा लगेगा बनाना लगेगा ही नहीं कि आपने फंदा उठाया है अब यहाँ से देखिए उल्टी रो है हमारी ये इनको हम जो पाँच फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको बना लेंगे पहले उल्टे उल्टे ही तीन चार और ये पाँच अब यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो रहा है तो डिज़ाइन में ये देखिए दो फंदे उल्टे हैं तो इसको उल्टा ही बनाना है ठीक है अब यहाँ पे ये ये दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं हमको तो ये वाला फंदा हमें सीधा बनाना है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है फिर ये दो फंदे उल्टे हैं तो उल्टा बनाना है मतलब अब जो जैसे दिख रहा है ना आपको सेम वैसे ही फंदे बना लेने दो फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधा फिर देखिए उल्टा दिख रहा है एक दो तीन चार पाँच अब जो जैसे दिख रहे हैं मैं वैसे ही बना लेती हूँ फिर मैं आपको सीधी रो में दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड सीधी रो में अब इस रो में अभी हमने फंदा नहीं बढ़ाना इसको भी हम बना लेंगे थर्ड रो है इसमें भी ऐसे ही बना लेंगे और जो उल्टी सिलाई है उसमें भी ऐसे ही बना लेंगे अब जो फिफ्थ रो आएगी फिर इसमें एक फंदा यहाँ से बढ़ेगा और फिर एक फंदा यहाँ से बढ़ेगा हर एक चौथी सिलाई के आप, बाद आपने एक एक फंदा बढ़ाना है और तभी हमारी बाजू की शेप अच्छी सी आ पाएगी तो चलिए मैं ये वाली रो भी आपको दिखा देती हूँ ये देखिए पांच फंदे उल्टे बनाएंगे तीन, चार, पाँच। अब ये देखिए दो फंदे उल्टे डिजाइन के स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर देखिए ये उल्टा फंदा दिख रहा है ना तो यहाँ पे पहले जाली डालेंगे ठीक है ऐसे आपने जाली डालनी है ऐसे ताकि ये उल्टा बनाना है ना हमने तो जाली पड़ गई उल्टा फंदा बन गया धागे को पीछे दो फंदे सीधे हैं तो सीधे दिख रहे हैं तो बना लेंगे सीधे धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यहाँ पर तीन का एक करना है तो यहाँ पे ये सीधा फंदा ये सीधा फंदा और ये बीच में हमने हर बारी ऐसे ही तीन का एक करना है ये देखिए ऐसे दो फंदे उतार लेंगे एक फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे और ये दो फंदे इसके ऊपर से ऐसे स्किप कर देंगे ऐसे फली गई फिर ये वाला फंदा भी सीधा बना लेंगे ये देखिए ठीक है अब धागे को आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे और ये वाला फंदा उल्टा दिख रहा है तो धागे को आगे करेंगे इसको उल्टा बना लेंगे और फिर जाली डालेंगे ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे हमने उल्टे ऐसे बना लेने फिर ऐसे लपेटेंगे और ये वाला फंदा भी उल्टा बना लेंगे फिर धागे को पीछे ऐसे ही आपने बार बार रिपीट करते रहना है ठीक है इस रोमक को हम ऐसे ही बना लेते हैं जो जैसा दिख रहा है बस बीच में हमने तीन का एक कर लेना है और हमने जाली भी डालती जाना है क्योंकि हम तीन का एक कर रहे हैं तो दोनों साइड हमारी जाली भी पड़ेगी ये देखिए ऐसे उतार लेंगे और ये तीन का एक कर लेंगे ऐसे फिर ये वाला फंदा सीधा धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर अब ये देखिए उल्टा है तो धागे को आगे करेंगे ये फंदा उल्टा बना के फिर जाली डालेंगे फिर बाकी ये सारे फंदे हमने उल्टी रो भी हमने जो जैसे फंदे दिख रहे हैं पांच फंदे हमने उल्टे बनाकर बाकी जो जैसे दिख रहे हैं देखिए ये फंदा सीधा दिख रहा है तो ये वाला फंदा भी हमने सीधा बनाना है जाली वाला इस चीज का आपने ध्यान रखना कि ये उल्टा उल्टे हो गए हैं तो ये सीधे की टर्न है तो सीधा बनेगा फिर जब ये सीधे हो जाएंगे फिर उल्टे की टर्न आएगी तो उल्टा बनेगा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है उल्टी साइड में ये देखिए पांच फंदे हमने देखिए उल्टे बना लिए फिर अब यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हो रहा है दो फंदे उल्टे अब ये फंदा देखिए ये सीधा है तो ये वाला भी सीधा होगा क्योंकि दो दो फंदे हमारे सीधे हैं फिर दो दो फंदे हमारे उल्टे हैं तो इसको हमने धागे को पीछे करेंगे सीधा बना लेंगे जब ये सीधे की टर्न हो जाएगी फिर हमारा जब अब नेक्स्ट वाला जो आएगा अगली रो में जाली पड़ाएँगे तो फिर इसमें उल्टा बनेगा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना तभी हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा और ये देखिए उल्टे हैं तो उल्टा बना लेंगे अब जो दो जो फंदे जैसे हैं मतलब हमें दिख रहे हैं ना सेम हमने वैसे ही बना लेना है अब यहाँ पे तीन फंदे उल्टे हैं तीन बना लेंगे चलिए इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी रो रोम आपको बढ़ा कर भी दिखाती हूँ और कैसे सीधी रो को बनाएंगे वो भी दिखाती हूँ चलिए इसको कम्प्लीट करके बताती हूँ आपको तो देखिए फंद सीधे में हम कैसे बनाएंगे ऐसे एक फंदा ऐसे उतार लेंगे और अब यहाँ पर फंदा हमने बढ़ाना है देखिए पीछे से आप कोई भी एक ऐसे फंदा उठा लीजिए ऐसे और उसको इस सिलाई पर लेकर इसको हमने उल्टा बना देना है तो ये हमारा देखिए फंदा बढ़ जाएगा ये देखिए अब छ फंदे बनाने हैं पहले पाँच थे अब छ बना लेंगे ठीक है छ बनाने के बाद फिर से हमारा डिजाइन ऐसे ही जैसे हम बना रहे थे दो तो फंदे अब डिजाइन के उल्टे अब यहाँ पर देखिए ये उल्टा फंदा आ गया है फिर धागे को ऐसे लपेटेंगे और ये दो फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं जाली भी पड़ेगी और दो फंदे हमारे उल्टे भी बन गए दो फंदे सीधे बना लेंगे फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे अब यहाँ पर देखिए तीन फंदे बज गए हैं बीच के सीधे सीधे इसको दो फंदे ऐसे उतारेंगे और एक फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे ठीक है और ये दो फंदे जो हैं ये इसके ऊपर से ऐसे स्किप कर देंगे ऐसे फली बनती जाएगी हर एक उसमें करना है अभी ये देखिए उल्टे उल्टे नेक्स्ट लाई आएगी इसे उल्टे उल्टे में करना है फिर धागे को आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर फंदे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे फिर यहाँ पर फिर से जाली डालनी है धागे को ऐसे लपेटना है और दो फंदे उल्टे बना लेने देखिए ऐसे ही हमारे को डिज़ाइन बनाते जाना है और यहाँ से जब हमारे थोड़े फंदे हो जाएंगे तो हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे जैसे हमारा ये डिज़ाइन था ना सेम हमने यहाँ से ऐसे देखिए जैसे मैंने ये आधे पे बनाना स्टार्ट कर दिया है तो हमने यहाँ से थोड़े से अभी फंदे हो जाएंगे तो हम यहाँ से डिज़ाइन डाल लेंगे ऐसे हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे और हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाल लेना है जैसे यहाँ से आपने देखना है कि इस फंदे के बाद कैसा डिज़ाइन पड़ा है तो सेम ऐसे ही यहाँ पर डाल लेंगे हम ये देखिए ऐसे ऐसे और यहाँ पर फिर अगर हमारा जैसे तीन का एक हम यहाँ बीच में कर रहे थे तो यहाँ पर भी फंदा बढ़ रहा था इधर भी फंदा बढ़ रहा था तो यहाँ पर देखिए एक साइड से फंदा हमारा नहीं बढ़ रहा है जैसे यहाँ पर नहीं है ये वाला तो हमने यहाँ पर दो का एक ही दो का एक करके एक एक फंदा हमारा जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमने सिर्फ दो का एक करा है और यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा दिया यानी फंदे हमारे बराबर हैं इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है तीन का एक कर रहे हैं तो दो फंदे होने चाहिए अगर आप एक फंदा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर जाली डाल के तो एक फंदा यहाँ पर कम होना चाहिए ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है तो देखिए फ्रेंड्स हम उल्टी रो में आ गए हैं सीधी रो हमने बनाकर ये उल्टी रो में है अब यहाँ पर हम देखिए ये जो फंदे हैं हमारे उल्टे उल्टे यहाँ पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं तो डिज़ाइन कैसे बनाएंगे ये ये देखिए अब यहां से आपने पहले देखना है ये चीज है चीज़ हमारी यहां पर, जाली डली हुई है ना तो यहाँ से आप देखिए ये यहाँ पर तो हमने जाली डालनी है लेकिन अभी जाली नहीं डालेंगे जब तक हमारे यहाँ पर तीन का एक में मतलब फंदे और हो जाएंगे फिर यहाँ पर हम जाली डालना स्टार्ट करेंगे अभी हमने ऐसे ही बनाना है क्योंकि हम यहाँ जाली डाल देंगे तो हमारे फंदे यहाँ से बढ़ने लग जाएंगे फिर ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी तो अगर हमने यहाँ पर देखिए तीन का एक करेंगे तो हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे आपने ये देखना है कि यहाँ से ये जैसे डिजाइन है यहाँ से हो रहा है तो अब यहाँ पर दो फंदे देखिए जैसे सीधे बनाने हमने तो यहाँ पे दो फंदे हम ये सीधे बना देंगे फिर दो फंदे उल्टे बना देंगे यहाँ से देखिए आप ये जहाँ मैंने हाथ रखा है देखिए दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं ये सॉरी सीधे बनाने हैं उल्टे बनाने उल्टे फंदे के बाद यहाँ पे दो फंदे सीधे बनेंगे फिर ये दो फंदे उल्टे बनेंगे फिर ये दो फंदे सीधे बनेंगे यानी आप इन चार फंदों को उल्टे बना लीजिए अभी क्योंकि यहाँ से अभी फंदे बढ़ रहे हैं तो अभी इसका मतलब नहीं है यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन बनेगा हम ऐसे डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट कर दें ताकि ऐसा हमारा दिखने लगे डिज़ाइन जैसे हमने यहाँ पर बनाया है ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे फंदे तो हमारा यहाँ पे पूरा डिजाइन आ जाएगा अभी हमने देखिए आधा आधा बनाया हुआ है तो देखिए दो फंदे हमने सॉरी चार फंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो ये जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे थे ना उसी में हमने ये बना लिया है बाकी यहाँ से तो हमारा डिजाइन था और डिजाइन हमने वो पूरा बनाना है अभी और यहाँ से देखिए दो फंदे उल्टे हैं तो उल्टे बना लेंगे यहाँ से हमारा डिज़ाइन ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है तो हमने ये बनाना है अपना डिज़ाइन और जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे थे उसमें सिर्फ हमने ये वाला डाल दिया ऐसे ऐसे दो फंदे उल्टे फिर देखिए ये फंदा अब हमारे दो फंदे ये सीधे दिख रहे हैं तो ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है धागे को पीछे दो फंदे सीधे फिर धागे को आगे करेंगे अब जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे और उल्टी तरफ से ही डिज़ाइन को डालना है ठीक है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देती हूँ कैसे हमने डालना है बाकी मैं बाकी बना लेती हूँ इसको तो ये देखिए जाली वाला फंदा भी हमने उल्टा बना लिया और दो फंदे यहाँ तक उल्टा बना लिए मतलब यहाँ पर हमना, हमारा हमारा डिज़ाइन खत्म हो गया अब ये एक्स्ट्रा फंदे जो हमारे हमने एक्स्ट्रा डाले थे उसको बनाना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने उल्टे बना लिए थे फिर दो फंदे हमने सीधे बनाए थे तो यहाँ पे भी दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं और चार फंदे उल्टे बना लेने हैं ठीक है इसको बना लेंगे तो चलिए इसको कंप्लीट कर लिया है और सीधी सिलाई हमने सीधी बनानी है और यहाँ पर हमने देखिए जब हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे ना फिर यहाँ पर हम तीन का एक करते जाएंगे तो दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ेंगे तो हम तीन का एक कर पाएंगे जब तक हमारा नहीं तीन का एक कर रहे हैं तब तक हमें यहाँ जाली भी नहीं डालनी है सिंपल सिंपल ऐसे ही बना लेना है अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा करिए कि यहाँ के पंगे छोड़ के आपने सीधे दो डिज़ाइन आपने ये सिलेक्ट करने हैं और बाकी आपने इस डिज़ाइन को ही बनाते रहना है और ये साइडों के जो बढ़ रहे हैं फंदे इनमें सिर्फ आप उल्टा उल्टा बना लेंगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा आपकी बाजू बन के अगर आपको डिज़ाइन यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि आधा आधा कैसे हमने बनाना है तो आप ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं और वैसे मैंने बता दिया है आपको कि यहाँ पर जैसे आपने अगर फंदे यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर तीन का एक करेंगे ना जब यहाँ पे तीन का एक हो हो रहा है तो यहाँ पे हमारे एक एक जाली पड़ रही है पर यहाँ पे अब अगर हमने जाली डाल दी है तो तीन का एक भी नहीं हो रहा तो फंदे हमारे फटाफट बनने मतलब बढ़ जाएंगे ज़्यादा फंदे फिर वो डिज़ाइन हमारा ठीक नहीं बनेगा इसलिए आप ऐसा करिए कि आपने उल्टे उल्टे यहाँ पर बना लेने हैं ठीक है अब जब यहाँ पर सत्रह फंदे हो जाएंगे तब आप इस डिज़ाइन को बना लीजिए फिर ये आसानी से यहाँ पर सेट हो जाएगा तब तक आप ऐसे डिज़ाइन बनाते जाइए जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे ही देखिए फंदे हमारे बढ़ते गए हैं फिर हमारे फंदे बढ़ गए तो हमने यहाँ पर दो का एक करना स्टार्ट कर दिया है और क्योंकि हमने यहाँ पर भी जाली डाल दी थी अभी देखिए हमने यहाँ पर जो हमने फंदे बढ़ाए हैं ना यहाँ पर जाली नहीं डाली है अब जब यहाँ जाली डाल देंगे तो यहाँ पर हम दो का एक भी करने लगेंगे ठीक है अभी थोड़े से फंदे और बढ़ जाएंगे तब हमने ये वाला डिज़ाइन ऐसे बनाने लग जाना है फिर थोड़े फंदे और बढ़ जाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन पूरा कवर हो जाएगा जैसे हमने ये वाला बनाया ना पूरा आ जाएगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू